नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके सामने कुछ तस्वीरें लेकर आ रहा हूं। पुलिस कमिश्नर प्रणाली मध्य प्रदेश के दो शहरों में, यानी कि इंदौर में और भोपाल में, और हाल ही में भी जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली को एक साल पूरा हुआ तो जश्न मनाया गया। लेखा जोखा लेने की कोशिश की गई कि क्या अच्छा हुआ क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हुई, हम ये कह सकते हैं कि सुधार भी हुआ, लेकिन क्या बदमाशों में, क्या अपराधियों में खौफ है? लगता नहीं। अब मैं आपको भोपाल के कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूँ। जुबेर, इसके साथ साथ मुख्तार मलिक, ये दो अपराधी हैं, ये दो गुंडे हैं। लेकिन एक गुंडा मुख्तार जब जेल से छूटता है तो उसका सड़कों पर जश्न मनाया जाता है। जश्न में पड़ाके छोड़े जाते हैं, लंबा गाड़ियों का काफिला होता है और सड़कों पर दहशत मचाई जाती है। भोपाल की बात कर रहा हूं मैं, राजधानी, जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है और एक साल पूरा हुआ है। जुबेर, वो भी गुंडा है, वो भी अपराधी है, लेकिन वो स्टंट करता है। वो रोड पे चलता है, एक गाड़ी उल्टी चल रही होती है, एक गाड़ी में वो अपने लोगों के साथ मौजूद होता है और दहशत फैलाता है देश की राजधानी भोपाल में, जहाँ पर कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम है। अगर वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं, भरोसा कम होता है। मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, भोपाल की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, अपराधों में कमी आई है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो वो मुंह चढ़ाती हुई दिखाई देती हैं, खासकर कानून व्यवस्था को, पुलिस को, वर्दी को और पुलिस कमिश्नर सिस्टम को, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जब इस तरह की तस्वीरें सड़कों पर नंगा राज करती हुई नज़र आएगी तो कम से कम सचेत होगी और पुलिस ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाएगी कि ये दोबारा इस तरह की तस्वीरों के साथ कभी सड़कों पर दिखाई न दें। आप फिलहाल बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, इतना ही, नमस्कार।